नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ गतिविधियों पर। मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। एक छात्रा के साथ एक युवक ने चाकू की नोक पर उसे होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जी हां, यह पूरा मामला उज्जैन के मिर्जा नईम बेग मार्ग का है, जहां पर मिर्जा नईम बेग मार्ग पर रहने वाले मोहम्मद चेद ने कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा को चाकू की नोक पर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। सोमवार को भी उसने कोचिंग जा रही छात्रा को धमका कर साथ ले जाना चाहा, तो लोगों ने चेद को पकड़ लिया। तो छात्रा के चीखने चिल्लाने पर लोगों ने चेद को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर जिवाजीगंज पुलिस को सौंप दिया। मामले की जानकारी जब हिंदूवादी संगठनों को लगी तो उन्होंने थाना घेर लिया और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल मोहम्मद जेद मिर्जा नईम बेग मार की गली नंबर 2 में रहता है और पड़ोस में ही रहने वाले प्रतिष्ठित परिवार की छात्रा से जेद की दोस्ती हो गई। इसके बाद वह उसे अश्लील मैसेज भेजने लगा। यह हम आपको बता दें, 2019 में छात्रा के परिजनों ने जेद के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो पुलिस ने जेद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां आरोपी को 8 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। कुछ दिन तक तो जेद शांत रहा, लेकिन 15 दिन पहले वह प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने गई छात्रा को चाकू की नोक पर धमका कर होटल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जेद ने दुष्कर्म करने के बाद युवती से कहा कि उसने अपना बदला ले लिया है, अब किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। सोमवार को जब युवती कोचिंग जाने के लिए निकली तो उसने युवती को एक बार फिर से जबरन ले जाने की कोशिश की। लोगों ने जब उसे जबरदस्ती करते देखा तो जेद को लोगों ने पकड़ लिया और जिवाजीगंज थाने ले गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की कोशिश का प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसके अलावा जेद के मोबाइल में और भी लड़कियों से चैटिंग मिली है। यहां अधिकतर युवतियां हिंदू हैं और उनके साथ वह अश्लील चैट कर रहा है, आपत्तिजनक फोटो भी मिले हैं। अब हिंदूवादी संगठन ने जेद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शारीरिक शोषण करने के बाद उसने लड़के ने बोला कि जो तूने मेरे को 8 दिन जेल पहुंचाया था उसका नतीजा है, और आइंदा अगर मेरे खिलाफ कुछ किया है तो इसकी सजा तेरे को और खतरनाक तरीके से मिलेगी। लड़की डर कर अपने घर पर आ गई। उसके बाद लगातार इसने 4-5 दिन पूर्व से वापस से इसको कॉल मैसेज करना चालू करके तेरा वीडियो मैंने बना लिया है, अगर तुम उससे फिर से नहीं मिली तो मैं इसको वायरल कर दूंगा। लड़की ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि डरी हुई थी। आज का घटनाक्रम यह था कि आज लड़की जब अपनी कोचिंग के लिए घर से निकली, लगभग 12:30 बजे का समय था, तो घर के चौराहे पर लड़के ने चाकू की नोक पर, प्रशासन ने चाकू भी जब्त किया है इसे, उसको बोला कि मेरे साथ चल। लड़की ने, चूंकि लड़की बहुत डरी हुई थी, लड़की ने जोर से चिल्ला चोट करी तो आसपास के क्षेत्र के रहवासी जो रहते हैं उन्होंने लड़के को पकड़ा। लड़की की बात जब सुनी, लड़की के परिजन को सब लोग पहचानते थे, लड़की के परिजनों को सूचना करी, वो वहां पर पहुंचे। लड़की के परिजनों ने लड़के को पकड़ के थाने में बंद कराया और लड़की से जब पूरी बातचीत करी तो लड़की ने सारे जो 10-12 दिन पूर्व की जो घटना थी वो भी बताया कि मेरे साथ इस तरीके की चीजें यहाँ पर हुई है। एक और चीज और सामने आई है, जब इसके मोबाइल यहाँ पर जब्त किए हैं तो पुलिस के पास हमने सारी चीजें बताई तो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसमें और भी 8-10 हिंदू बहनों के साथ में ये लगातार ऐसी अश्लील बातें करना और धर्म को लेकर अनर्गल चीजें जो है सोशल मीडिया पे, आप जब उसके आईडी के फोटोज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मामला है, ये अग्रिम जांच चल रही है इसकी, जो अधिकारी वो करेंगे, और अभी इसकी FIR दर्ज हुई है, अभी धारा 366, 376, 551 जो अग्रिम जांच चल रही है इसकी, वो जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा।